शुरू करती हैं उस रब्बे जलील के नाम से जिसकी नेमतों का कोई शुमार नहीं। आज अरीबा के किचन में बनने जा रही है गाजर मटर मेथी आलू की भुजिया। रेसिपी शुरू करने से पहले हम उन तमाम लोगों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। आप इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहें। चले आएँ शुरू करते हैं आज की रेसिपी। गाजर मटर मेथी आलू की भुजिया बनाने के लिए हमें चाहिए 3 कप गाजर, 2 आलू, 3 कप मेथी, 1 कप मटर, 3 टमाटर बारीक कटे हुए, 1 छोटी प्याज बारीक चॉप हुई हुई, 4 हरी मिर्चें, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। और अब कुछ स्पाइसेस बता देते हैं। 1 टीस्पून ज़ीरा, 1.5 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1.5 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून चिकन पाउडर, 1/2 कनौर क्यूब। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ सबसे पहले हमने एक पॉट ले लिया है, उसमें 1/2 कप हमने ऑयल गरम होने के लिए रख दिया है। और अब हम इसमें ज़ीरा डाल रहे हैं। ज़ीरे का कलर हल्का सा चेंज हो जाए तो हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। तो ये देखें हमने प्याज ऐड कर दी है और प्याज को हमें गोल्डन फ्राई करना है। तो आप देख सकते हैं कि प्याज गोल्डन फ्राई हो चुकी है। तो अब हम इस स्टेज पर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रहे हैं जो कि हमारे पास 1 टेबल स्पून है, और इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। और उसके बाद हम इसमें तमाम स्पाइसेस ऐड कर देंगे जो कि हमने आपको बताए थे, जिसमें ज़ीरा, पिसी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, पिसा हुआ गर्म मसाला, हल्दी, नमक, चिकन पाउडर वगैरह शामिल है। स्पाइसेस शामिल करने के बाद इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। और अब हम इस स्टेज पर इसमें टमाटर शामिल कर रहे हैं जो कि हमारे पास 3 बड़े साइज़ के थे बारीक चॉप हुए हुए। और अब हम इनको भी अच्छी तरह मसाले में मिक्स कर लेते हैं। टमाटर को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें मटर, मेथी, गाजर, आलू ऐड कर देंगे और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो ये देखें हमने तमाम वेजिटेबल्स को ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और अब हम इस पर लिड रख देंगे और पहले फ्लेम हाई करेंगे ताकि इसमें अच्छी सी स्टीम बन जाए, और उसके बाद हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखें यहाँ तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि कितना मॉइस्चर आपको नज़र आ रहा होगा। और आपने देखा कि हमने इसमें बिल्कुल पानी ऐड नहीं किया है क्योंकि सब्ज़ियों का अपना ही इतना पानी होता है जिसमें वो अच्छे से कुक हो जाती हैं। तो अब हम इनको दोबारा से एक दफ़ा मिक्स कर लेते हैं और दोबारा हम इस पर लिड रख देंगे, और जब तक कि इसका मॉइस्चर ड्राई नहीं होता तो हमें इनको कुक करना है। जी तो यहाँ 10 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक इनका मॉइस्चर ड्राई हो चुका है। तो अब हम इस स्टेज पर इसमें हरी मिर्चें ऐड कर देंगे और इसके बाद हम अगेन इस पर लिड रखेंगे और लो फ्लेम पर कुक करेंगे यहाँ तक कि इसका मॉइस्चर कंप्लीट ड्राई हो जाए। तो
फाइनली यहाँ हमारी मज़ेदार सी गाजर मटर मेथी आलू की भुजिया रेडी है और अब हम इसको डिश आउट करते हैं और उसके बाद हम आपको इसकी फ़ाइनल प्रेजेंटेशन दिखाते हैं। और साथ ही मैं आपको याद दिलाती चलूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी मज़ीद वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलते रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी करें। रीमा के किचन में गाजर मटर आलू मेथी की भुजिया रेडी है। ये सर्दियों की ख़ास सौगात है और ये विटामिन और आयरन से भरपूर होती है और इस भुजिया को पराठे के साथ और मक्खन लगी रोटी के साथ खाया जाए तो खाने का मज़ा मज़ीद दुबाला हो जाता है। साथ ही हमारी दुआ है कि सभी देखने वाले शाद आबाद रहें, अल्लाह आपके घरों में अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल करें। आमीन या रब्बुल आलमीन। हमें दें इजाज़त नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह निगेबान।